हमारा नाम सुरेश सिंह है साहब। अब कम से कम एक 70-80 साल से मूर्ति बनाते हैं हमारे परिवार। हमारे धूलपेट की जो कला है आपको पूरा तेलंगाना स्टेट में कहीं भी नहीं मिलेंगे। हमारे यहाँ इतने जो मूर्ति बनते हैं आपको कहीं पे भी नहीं दिखेंगे। स्पेशली हमारा जो आप शॉप में देख रहे हैं धूलपेट का, स्पेशली कहीं पे भी नहीं दिखेंगे। मेरे पास जो मूर्ति आप देखे पूरा धूलपेट क्षेत्र में कहीं भी नहीं दिखेंगे। कम से कम एक 12 से 15 वैरायटी रहते, और इसका कलर का ही स्पेशली है। पूरा आपके सामने है, जो भी है देख रहे हैं आप, चैनल में दिख रहा, मीडिया में दिख रहा, पूरा मार्केट में दिखता है। POP सीमेंट से बनता है। एक मूर्ति को कम से कम एक 1 मंथ होता है। अब काम तो देखिए, हमारे घर के एक 8-10 लेबर है, मेंबर्स है, बाहर के आदमी लगाते हैं लेबर। कम से कम एक 50 मूर्ति बनाने को 10 आदमी तो होना है। नो प्रॉब्लम, सेल्स का कुछ भी नहीं है, सेल्स अच्छा है। नहीं, ये देखिए, अब ये जो है तो एक बाजीराव सिंघम जिस तरीके से बना है, ये अब ये शिव अवतार है, इसका अलग डिफरेंस है। ये है, ये अलग है, हर एक में अलग चेंजेस रहेंगे। आप किसी में एक जैसा कंपेयर नहीं कर सकते। आप धूलपेट का स्पेशली आपके सामने ये मूर्ति कला है, बस वही छः सब में बड़ी चीज। आपका फोटो ला के दीजिए, आपको बना देंगे। देश के किसी नेता का ला के दीजिए, उसका बना देंगे। धूलपेट में ऐसी कला है, आप हर चीज़ ले लो मिल जाएंगे आपको। खाली चाहने वाले, लेने वाला कस्टमर होना, बस और कुछ नहीं। अब ये तो हमारे माता पिता कम से कम एक 50 साल से कर रहे हैं, मैं तो 32 साल से कर रहा हूँ। सबका अलग अलग रहता है, 5000 से लेके 50000 तक रहता है। जैसा वर्क रहेगा, जैसा मूर्ति रहेगा, वैसा रहता है।